आप देखोगे तो कैसे आदमी गलती करके चला जाता है और उसकी शिकार दो औरतें को मिलती है। उषा की ज़िंदगी के साथ भी ऐसा हुआ, उसके आदमी ने गलती की और वो मर गया और उसके कारण उसकी लड़की की और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और पता नहीं आने वाले बच्चे का भी रिजल्ट क्या आएगा। तभी भी समाज आदमी को कुछ नहीं बोलता और महिला को ही इस सब का शिकार मानता है। कशम हो तुम्हें मिस्टर वार्लर? मिस्टर आजार होता। कुठला आजार होता? HIV। मिस्टरांना होतं ना ते, ते मिस्टरांचं तपासल्यानंतर वारले ते। आमच्यातली लोक म्हणले की तुमचं पण चेक करा, चेक केलं तर त्यात सापडलं आणि मुलीचं पण सापडलं। आता आम्ही स्वयंपाक ही करणार घरात, मी सुन नाही म्हणलं मला करावंच लागणार। त्यांना कसं वाटतं की हिच्यामुळं आम्हाला पण होऊ नये असं वाटतं। आत्ता मी एकटीच राहिले, आता एकटीव सगळा बोजा आला। आत्ता मला मदत म्हणजे मला काहीतरी व्यवसाय पाहिजे आणि मुलीचं शिक्षणासाठी काय मदत झाली तर। मैंने ये व्हिडिओ बनाया क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ और मुझे लगता है कि उषा के ज़िंदगी में ये जो कुछ हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उषा को अगर कुछ काम मिले तो वो अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहती है और अपने बच्चों का खर्चा करना चाहती है। मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलके उषा जी की मदद करें। इसके लिए आप 9545424352 इस नंबर पर कॉल करके उषा जी की मदद करें। मैं रोहिणी पवार, महाराष्ट्र राज्य के कर्नलवाड़ी गाँव से, इंडिया अनहर्ड के लिए।